एक बहुत बड़े बंगला था। उस बंगला के अंदर एक कमरा था। उस कमरा में एक छेद भी था। उस छेद के अंदर दो चूहा रहता था। एक चूहा माँ चूहा था, दूसरा चूहा बच्चा चूहा था। एक दिन ये माँ चूहा बच्चा चूहा को देख करके, हे बच्चा बच्चा, तुम बहुत सावधान से सुनो, किसी भी कारण से इस छेद से बाहर नहीं जाना है। बाहर जाएगा तो वहाँ पर एक मोच वाला रहता है, वो मोच वाला तुमको जट से पकड़ लेगा, इसलिए हमेशा सावधान से रहना है, इस छेद से बाहर नहीं जाना है, ऐसे कहती थी। लेकिन ये बच्चा चूहा माँ को देख करके, ये कैसी माँ है हमेशा ऐसी कहती है, ये सोच रही थी। एक दिन माँ चूहा और बच्चा चूहा दोनों सो रहे थे। अचानक इस बच्चा चूहा को एक विचार हुआ, इस छेद के बाहर क्या रहता है, इसको किसी न किसी तरह देख लेना चाहिए। हाँ, अभी माँ सो रही है, इसी समय जाकर देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये सोच करके बहुत धीरे से कदम कदम आगे बढ़ करके बाहर निकलने के लिए सोचा। माँ को देख रहा था, माँ अच्छे से सो रही है, इसलिए अभी बहुत धीरे से स्टेप बाय स्टेप वो बाहर निकलने की कोशिश किया और छेद के पास आया है। अभी वहाँ से मोड़ कर देखा, माँ अच्छे से सो रही है। हाँ, यही समय है, इसलिए धीरे से उस छेद से धड़ाम से बाहर कूदने लगा। जब कूदा है, वहाँ पर एक बहुत बड़े सोफा था। उस सोफा में रुई और फोम से भरा हुआ था, इसलिए उसमें जब कूदा है तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसमें अच्छे से खुद करके खेलने लगा, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत वो एंजॉय करने लगा। तो ये छोटा चूहा क्या सोच रहा है, क्या हमारे माँ को कुछ भी मालूम नहीं है, वो अंधेरा और हवा बिना इस छेद के अंदर ही रहती है, इससे बाहर आएंगे तो कितना सुंदर लगता है, ये मालूम ही नहीं है माँ को, ये समझकर वो हंस रहा था। और ये सोफा में खेलने वाला ये चूहा क्या करने लगा, वो धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा। वो बेडरूम के अंदर गया। बेडरूम में क्या रहेगा, बहुत सुंदर बिस्तर था। उस बिस्तर के ऊपर चढ़ गया, बिस्तर में इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, बहुत अच्छे से वहाँ कूदने लगा, खेलने लगा। वहाँ से उसको वज वज हवा मिल रहा था, वो देखने से वो अच्छा फंका था। बहुत खुशी और आनंद से माँ को सोचने लगा, क्या हमारे माँ को कुछ भी मालूम नहीं है, वो हवा बिना अंधेरा छेद में रहती है, यहाँ पर हमें देखो कितना मस्त में हम रहते हैं। इसी प्रकार खेलते खेलते वो अगले रूम में गया। अगले रूम में गया तो वो किचन था। उस किचन के एक किनारे देखने से एकदम गोल गोल लाल रंग में एक चीज़ था। उस लाल चीज़ को देखने से उसको बहुत अच्छा लगा, वो जा कर के उसको काटने लगा। उसको जब काटा है तो तुरंत उसके अंदर से उसका रस निकलने लगा। उस रस को बहुत अच्छे से स्वाद लेकर के उसको चूसने लगा और काटने लगा और अच्छे से खाने लगा। और तब उसको पता चला है, वो ये बहुत अच्छा टमाटर है। तो ये सोच करके तब अपनी माँ के बारे में सोचने लगा, क्या हमारे माँ को ये सब कुछ भी मालूम नहीं है, तो उसी अंधेरा हवा बिना छेद में रहती है, तो हम यहाँ पर कितना मस्त के साथ रहते हैं, माँ को कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है, तो इसलिए माँ वो भी नहीं जाती है और हमें भी नहीं जाने देती है, हम तुरंत जा कर के माँ को ये सारे बात बताना चाहिए। इसलिए दर दर माँ के पास गई है। माँ सो रही थी। माँ 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 उठिए 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 ना, ये बोल करके माँ को जगाने लगी। माँ जग करके देखने लगी तो इसका मुंह में टमाटर का रस लगा हुआ था। इसको देखने से माँ तुरंत, हे मेरे नन्नू, कहाँ गया था, क्या हो गया, पूछने लगी। तब ये छोटा चूहा बोलने लगा, माँ माँ, आपको एक बात मालूम है, मैं इस छेद से बाहर गया था, वहाँ पर अच्छे से सोफा में झमझम कूदने लगा, वहाँ पर बहुत अच्छा लगा माँ, और वहाँ से मैं दूसरे कमरे में गया था,
वहां पर वज़ वज़ हवा आ रहा था। वहां से मैं दूसरे कमरे में गया था, वहां पर बहुत अच्छे से गोल गोल लाल रंग में एक चीज़ था, उसको बोलने से ही मेरा जीभ में पानी आ रहा है। मामा कितना स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगा माँ, ये बोलने लगा। इसको सुन करके माँ को शॉक लग गया। हे मेरे नन्नू, मैं क्या बोला था, इस छेद से बाहर नहीं जाना बोला था ना, क्यों गया? वहाँ पर एक मोच वाला है, वो तुम्हें जट से पकड़ के फट से मार देगा। माँ बोलने लगी, छोटा चूहा बोलने लगा, चुप रहिए माँ, आप हमेशा ये अंधेरा हवा बिना छेद में रहते हैं। ये जा करके फिर से सो गया और माँ भी सोने लगा। माँ को यही चिंता है कि क्या मेरे बच्चा मेरे बात नहीं मान रहा है। लेकिन ये बच्चा चूहा को तो स्वप्न में वो सोफा आ रहा है, फंका आ रहा है और वो टमाटर आ रहा है, तो तुरंत झट से जग गया। अभी सोचने लगा, अभी हम बाहर जाएंगे तो भी माँ को नहीं बोलना है। जैसे वो सोचा था वैसे ही माँ जब सो रही थी तो उस समय वो जग गया। जग करके वो छेद से बाहर निकला और वो सोफ़ा में जा करके सोफ़ा में खेला। सोफ़ा से फिर बेडरूम में गया, बेडरूम में अच्छे से खेलने लगा, फंका के हवा लेने लगा। फिर वहाँ से किचन में गया, लेकिन इस बार किचन में एक सुंदर डब्बा था। उस सुंदर डब्बा खुला हुआ था, उस सुंदर डब्बा के अंदर एक खाने का सफ़ेद रंग का चीज़ लटक रहा था। उसको देखने से सोचने लगा, कल लाल रंग का था लेकिन आज सफ़ेद रंग का है, इसको भी चख लेना चाहिए। ये समझ करके वो अंदर गया। वो अंदर जा करके वो सफ़ेद पदार्थ जो लटक रहा है उसको ऐसे मुंह से खाटने लगा। धड़ाम से आवाज़ आया, ये क्या आवाज़ है? ये मुड़ कर देखा है तो जिसके अंदर गया है वो डब्बा बंद हो गया। वो ये छोटा चूहा सोचने लगा, हाँ हम खाने के समय कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए किसने ये डब्बा को बंद कर दिया, इसलिए हम अच्छे से खाएंगे। सोच करके बढ़िया से उसको खाने लगा। थोड़ी देर में ये डब्बा ऐसे ऊपर जाने लगा। ऊपर गया तो ये सोच रहा है, ये क्या डब्बा हिल रहा है। देखने से वो जहाँ खेला था वो किचन उसको दिख रहा है, और जो जहाँ खेला है वो बेडरूम दिख रहा है, वो बेड सब दिख रहा है। वो सोचने लगा, हाय हम हवाई जहाज में चल रहे हैं, ये समझने लगा। तब वो जहाँ खेला है वो सोफ़ा भी दिखने लगा, उस छेद भी दिखने लगा। वो तुरंत माँ के बारे में सोचने लगा, ओ माँ उस अंधेरा हवा बिना छेद में रहती है, लेकिन हम देखो कितना बढ़िया से मस्ती से जा रहे हैं, सोचने लगा। लेकिन क्या हुआ है तो अचानक वो डब्बा खुलता हुआ गर्म पानी के अंदर रखा गया। वो खुलता हुआ गर्म पानी इसको पैर में लगने लगा। ओ इतना गर्मी लग रहा है हमारे पैर में, ये सोचने लगा। लेकिन थोड़ी देर में वो डिब्बा और गर्म पानी के अंदर डूबने लगा। तब वो खुलता हुआ गर्म पानी उसके शरीर में जब लगने लगा तो अयो करके छटपटाने लगा। तब उसके माँ ने जो बताया वो सारे बात उसको याद आया। हे बाहर मत जाओ, एक मोच वाला है, वो तुम्हें जट से पकड़ लेगा, ये सब जो बोला है वो सब उसको याद आने लगा। वो मम्मी चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी मम्मी भी उसको अभी बचाने के लिए आ नहीं सकती और इसको भी बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या हो गया मालूम है, उस गर्म पानी में जलते हुए बहुत वेदना के साथ उसका मृत्यु हो गया। प्यारे बच्चे, इस छोटे चूहा अपनी माँ की बात नहीं मानने से क्या नतीजा हुआ देखे है ना। इसलिए पवित्र बाइबल में भी ये लिखा हुआ है एफिसियों 6:1 में कि हे बालकों, प्रभु में अपना माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। मेरे प्यारे बच्चे, इस कहानी को सुनने वाले आप लोग भी आपकी माँ के आज्ञा मान के रहना है। कभी कभी हमारी माँ कहती होगी कि बाहर मत जाओ, इन लोगों से बात मत करो, तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसे कह रहे हैं। लेकिन हम लोग माता पिता के सामने उनको आज्ञा मानने के जैसे नाटक करते हैं, लेकिन फिर उन लोगों के जानकारी के बिना इधर उधर चल जाते हैं। लेकिन वैसे नहीं करना है, माता पिता की आज्ञा मानेंगे तो वो हमारे आयु को भी बढ़ता है,
उसके द्वारा हम लोग बहुत दिन तक जी सकते हैं। ऐसे माता पिता की आज्ञा मानेंगे ना? ठीक है।